हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू चैंपियंस गेमिंग। तो भाई आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे पोकेमॉन फायर रेड के ब्रांड न्यू एपिसोड में। सो गाइस आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइस आपको याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में हमने छोड़ दिया था लेवेंडर टाउन को और हम आ चुके थे सेलेडॉन सिटी में और हमें मिल गया था एक न्यू पोकेमॉन विच वॉज ईवी। प्यारी सी ईवी। तो गाइस मैंने आज ये डिसाइड किया कि भाई मैं अपनी ईवी को इवॉल्व करूँगा इन फ्लेरियन। तो गाइस मैंने फायर स्टोन ले लिया है। ओके तो हम इवॉल्व करेंगे अपनी ईवी को। द रीज़न फॉर दिस इज क्रिटिको मैं वेपोरियन में बदलूँगा। वैसे भी लैप्रस मिलने वाली है तो लैप्रस इज गुड एज अ वाटर टाइप एंड आइस टाइप पोकेमॉन। और हमारे पास इलेक्ट्रिक टाइप पे भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास पहले से ही पिकाचू है तो आई डोंट नीड दैट। तो इसलिए मैं अभी फ्लेरियन में बदल रहा हूँ। ओके समझियो क्योंकि कहाँ गया वो हमने अभी तो लिया था भाई। अरे भाई नीचे देखते हैं नीचे मिलता है कि नहीं। शायद नीचे होना चाहिए अभी तो लिया था भाई। ओके मिल गया फायर स्टोन। तो लेट्स इवॉल्व आवर ईवी इनटू गाइस अपनी ईवी इवॉल्व होने वाली है इनटू जी हाँ फ्लेरियन। ओके बस ओके चलो फ्लेरियन में इवॉल्व करो जल्दी से। ओके तो गाइस अपनी ईवी इवॉल्व हो चुकी है इनटू फ्लेरियन भाई। बहुत बढ़िया स्टाइल मस्त है इसकी। पूछो कि हेयर स्टाइल बहुत बढ़िया ओपी। ओके तो गाइस मैं और फ्लेरियन थोड़ी ट्रेनिंग करके जाते हैं। फ्लेरियन द फायर टाइप पोकेमॉन। ओके अटैक्स तो नहीं बदले क्योंकि अटैक्स सारे ईवी के ही है। तो हम ईवी को साथ थोड़ा ट्रेनिंग करके आ जाते हैं। तब तक आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। नीचे लाल बटन दिख रहा होगा दबा दो। गाइस मैं और ईवी हम दोनों ने कर ली है ट्रेनिंग पूरी और अपनी ईवी हो चुकी है लेवल 32 की। बहुत बढ़िया। और उसने बाइट अटैक सीख लिया एक न्यू अटैक। फायर टाइप अटैक तो कोई सीखा नहीं है लेकिन बाद में सीख लेगी धीरे धीरे। ओके तो गाइस चलते हैं अपनी जिम बैटल के लिए। नीचे ही आई थिंक जिम। ओके तो चलते हैं नीचे सीधा हमारी जिम बैटल के लिए जिसलिए हम यहाँ पर आए हैं सेलेडॉन सिटी में। ओके तो इस ट्री को काटते हैं पहले और लेट्स फाइट विद द जिम लीडर। आई थिंक कौन सा होगा भाई जिम लीडर। अभी जाके कम्प्लीट करो भाई चीटिंग नहीं करने का। अब भी जाके कम्प्लीट करो। ओके तो देखते हैं कौन है इसका जिम लीडर। सेलेडॉन सिटी पोकेमॉन जिम लीडर एरिका। ओके तो द नेचर लविंग प्रिंसेस। तो गाइस सेलेडॉन सिटी की जिम लीडर ऑब्वियसली एरिका है जो कि भाई बहुत खूबसूरत है। पूरा का पूरा जिम भाई लड़की लोग से भरा है आप देख सकते हो भाई। तो गाइस अगर सबके पास ग्रास टाइप पोकेमॉन है तो भाई हम लोग अपने पीजोटो को आगे कर लेते हैं। सुपर इफेक्टिव मूव्स होंगे वन हिट लग जाएंगे सबका। ओके तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली बैटल। जिम लीडर से नहीं है भाई। आई शुड टेल यू अबाउट दिस जिम। क्या बताने वाले भाई इस जिम के बारे में हमें सब पता है। ओनली लियर लेडीज आर अलाउड इन हियर। तो भाई हम लोग पुरुष है भाई हम लोंडे हैं लोंडे सख्त लोंडे। ओए भाई व्हाट इज़ दिस ऐसे कौन पोज मारता है ऐसा बम ऊपर करके कौन पोज मारता है भाई गलत सीन। ओके तो पीजियोटो और बॉसेस बेल स्प्राउट तो विंड अटैक करते हैं। एरियल इज विंड अटैक। ओके विंड अटैक वन हिट लग जाएगा विंड अटैक कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। ओके तो वन हिट लग गया और इसका नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा है भाई जल्दी से बताओ। ओके अपना पीजियोटो भी हो चुका है लेवल 31 का। बहुत बढ़िया अपने पीजियोटो के भी स्टैटिस्टिक्स बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ओके नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा है। ओके तो इसका नेक्स्ट पोकेमॉन विपिन बेल है तो इसे भी हम लोग ख़त्म कर देते हैं विद आवर विंड अटैक। ओके सुपर इफेक्टिव वन हिट बहुत बढ़िया अपना पीजोटो कमाल करेगा भाई आज के जिम में। बाकी भाई पीजोटो है तो भाई हमें किसी और ओए ओए ऐसा मत दिखाने का भाई गलत सीन होता है। ओके तो हम लोग इससे बचते हैं थोड़ा घूम के चलते हैं इससे बचते हुए और वापस से पेड़ को काटना पड़ेगा। वैसे गाइस हमें किसी और पोकेमॉन की ज़रूरत नहीं है इस जिम में जब तक हमारे पास पीजोटो है। ओके तो इससे भी लड़ते हैं फाइट और चलते हैं एरिका के पास। सामने एरिका दिख रही है भाई बीच में खड़ी है एरिका बहुत प्यारी प्यारी लग रही है एरिका के भाई। भाई और क्या चाहिए भाई बंदे को मतलब भाई
आप किससे भी फाइट करो भाई, लड़की होगी ना तो भाई क्या ही चाहिए, और कौन नहीं चाहेगा इस जिम में बैटल करने को। ओके एक और बार बेल स्प्राउट, तो बेल स्प्राउट को हम एरियलाइज करते हैं। इस बार आपको एरियलाइज दिखा देता हूँ भाई, लास्ट टाइम हमने किया था तब से हम लोग यूज़ नहीं किया है एरियलाइज को। ओके तो पीजोटो ने इसे भी कर दिया है ख़त्म, बहुत बढ़िया पीजोटो। ओके तो अगली है ओडिश, कि ओडिश की बारी है आगे, ओडिश को भी हम ख़त्म कर देंगे विद इन वन हिट, ये मेरा वादा है, मैं आग बंद करके बोलता हूँ भाई, वन हिट में जाएगा ओडिश। देखा बोला था ना, वन हिट में जाएगा ओडिश, सुपर इफेक्टिव भाई, हमें किसी और पोकेमॉन की ज़रूरत भी नहीं है आज, हमारा पीजोटो ही संभाल लेगा सबको। लेकिन हमारा पीजोटो बाद में इंडिगो लीग में नहीं आएगा, क्योंकि देयर विल बी सम अदर फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन विद अस, विच इज़ गोइंग टू बी सरप्राइज फॉर यू। ओके समझिए, ओके तो इसे भी हरा दिया है, इसका लास्ट पोकेमॉन है क्या रही, ग्लूम। ओके ग्लूम है, एरिका के पास ग्लूम का विकसित रूप होना चाहिए, या फिर ग्लूम तो होगा नहीं भाई, ग्लूम का विकसित ही होगा। ओके ग्लूम को भी हम लोग ने हरा दिया है, वर्लपूम होगा शायद से, वर्लपूम ही होता है ना उसका नाम, ग्लूम का बोल वाला आईविसोर। ओके नेक्स्ट पोकेमॉन इज आईविसोर, तो ओके नहीं बदलना है हमें। तो गाइस आप क्या सोचते हो भाई, हमें इसके आईविसोर का अपने विनोसोर से लड़ाना चाहिए क्या, देखते ना विनोसोर अभी अभी तो एवोल्व हुआ है, देखते कि अपना विनोसोर कितना ताकतवर है। ओके तो हम लोग रेजर लिफ्ट तो कर नहीं सकते, तो हमें कुछ और अटैक करना पड़ेगा, देखते ग्रास टाइप तो नहीं चलेगा। ओके कट है, कट करते, आधी एचपी तो जानी चाहिए। ओके आधी से ज़्यादा गई भाई, वन शायद 5 एचपी रह गया ये। ओके अटैक मिस एक और बार, ओके सुपर पोर्शन वंडरफुल, बहुत बढ़िया। ओके एक और बार कट करते हैं, अभी तो भाई पूरा जा, ओके आधा भी नहीं गया। ओके एक और बार कट, ओ स्लिप पाउडर नहीं यार, नहीं 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 नहीं। ओके तो हमारे पास अवेकनिंग होनी चाहिए, तो हम लोग अवेकनिंग से उठा देते हैं, अवेकनिंग आई थिंक सो होनी चाहिए, मैंने ली थी, ढूंढते हैं पहले अवेकनिंग। ओके अवेकनिंग मिल गई, 12 अवेकनिंग है भाई, मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ। ओके तो हमारा आईविस विनोसोर उड़ चुका है, जाग चुका है, विनोसोर अपना बदला लो, कट से इसका खेल ख़त्म कर दो एक और बार। ओके तो एक और बार कट, और इसका विनोसोर आईविसोर सॉरी जा चुका है, अपना विनोसोर जीत चुका है। ओके तो हमने सबको मतलब ओके दो को हरा दिया है, तो अभी नेक्स्ट बारी है एरिका की। तो गाइस एरिका को हराने से पहले हम इन सबको हरा के आ जाते हैं, बस एक सेकंड में आप हाँ देखना, वी विल कम इन जस्ट वन मिनट। ओके तो गाइस मैंने इन सबको हरा दिया है, और अब बारी है एरिका की, और अपना पीजोटो भी हो चुका है लेवल 33 का। ओके तो एरिका सामने खड़ी है, तो लेट्स फाइट विद एरिका। हेलो लवली वेदर इजंट इट, हाँ भाई क्या ही वेदर है भाई, अंदर जिम के अंदर पूरी हरियाली ही हरियाली है, देख रहे हो ना भाई जिम के अंदर हरियाली, मैं पेड़ों की हरियाली बोल रहा हूँ भाई, कुछ गलत मतलब से हरियाली मत लो। इट्स सो प्लीजेंट, या इट्स सो प्लीजेंट, ओ डियर आई मस्ट हैव ड्रोजन ऑफ, वेलकम। तो भाई सो जाओ ना, हमने किधर बोला, मत सो जाओ, सो जाओ सो लो। माई नेम इज़ एरिका, आई एम द लीडर ऑफ सेलेडॉन जिम। ओके एरिका आई नो दैट एरिका, यू आर द लीडर ऑफ सेलेडॉन सिटी जिम, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ द आर्ट ऑफ फ्लावर अरेंजिंग। मैं एरिका स्टूडेंट थी कि टीचर थी, मैंने आयश के देखा था तभी आई थिंक टीचर थी ना, मुझे याद नहीं, अभी स्टूडेंट ही होगी क्या पता। स्टूडेंट ऑफ आर्ट फ्लावरिंग, माई पोकेमॉन आर सोलली ऑफ द ग्रास टाइप। तो भाई सबको पता है, किसको नहीं पता, अगर ग्रास टाइप जिम में तो भाई ग्रास टाइप ही हो गए सारे पोकेमॉन। ओ आई एम सॉरी आई हैड नो आइडिया दैट यू विश टू चैलेंज मी। क्या भाई इतना जिम में इतना लोग खड़ा है, सबसे बैटल किया और तुमको पता ही नहीं हम तुमसे बैटल करने आए, क्या है रिका। ओके तो हमारी फाइट हो चुकी है स्टार्ट विथ एरिका। ओ भाई एरिका क्या ही दिख रही है, नहीं मुझे फाइट करना ही नहीं है, नहीं हमें फाइट करना ही नहीं है, हम एरिका को ही दे देगा।
ओके जस्ट जोकिंग, लेट्स फाइट विद एरिका। एमएम जिम बैटल जितना है भाई, रेड एक्स तो लंडा है। ओके तो इसका फर्स्ट पोकेमोन है विजिटर बेल। ओके तो अपना पिजोटो इसे ख़त्म कर देगा एरियल एस से। विंड अटैक एरियल एस ज़्यादा पावरफुल है, तो हम लोग एरियल एस करेंगे। ओके वन हिट लग जाए। ओके थोड़ा रह गया, थोड़ा सा रह गया, एक और बार एरियल एस। ओके स्टंस फॉर। ओके तो मैं पहले अपने पैरालाइज को निकाल देता हूँ, नहीं छोड़ो पहले हम लोग ये करेंगे विंड अटैक। ओके उसने हाइपर पोर्शन का यूज़ कर लिया है एरिका ने, कोई नहीं, कितना भी हाइपर पोर्शन यूज़ कर लो एरिका, तुम जीतने वाली नहीं हो, जीतेंगे तो हम ही, है कि नहीं पिजोटो। ओके एसिड का कुछ अटैक इतना नहीं होगा, लेकिन थोड़ा होगा, लेकिन अच्छा है कि भाई हम लोग पैरालाइज है तो हमें पॉइजन नहीं लगेगा। भाई पैरालाइज एक बार चल जाता है, लेकिन एसिड वो मतलब पॉइजन फायर ये सब नहीं चलता। ओके फेदर डांस सीख रहा है अपना पिजोटो, नहीं सिखाना भाई हमें पेजर फेदर डांस, उसे उसका पावर कितना है नहीं चाहिए, सिखाना ही नहीं है मुझे फेदर डांस, टॉप लर्निंग फेदर डांस। बहुत अच्छा अच्छा अटैक है पहले से क्यू। ओके टैंगिला, तो टैंगिला के लिए फायर टाइप पोकेमोन, फायर टाइप मूवी नहीं है, लेकिन छोड़ो विंड अटैक से हो जाएगा। पहले हम लोग अपना पैरालाइज थोड़ा हील कर लेते हैं, किधर है पैरालाइज हील। ओके तेरा पैरालाइज, तो पैरालाइज से मुक्त हो जाओ हमारे पिजोटो। टैंगला ने इनग्रेन किया, ये थोड़ी एचपी बढ़ती रहेगी टैंगला की फिर, लेकिन हमारी एचपी कम नहीं होगी, ये अच्छा है। ओके रियल इज वन हिट, नो वन हिट, ओके थोड़ा थोड़ा रह गया। ओके एक और बार पॉइजन, व्हाट पॉइजन, अभी तो भाई क्यूआर करना पड़ेगा पहले। अपना एंटीट्यूड किधर है, अपना एंटीट्यूड निकालो पहला भाई, मैं अगर पॉइजन लगता रहे ना बहुत वाट लग जाएगी, पूरा गेम की वाट लग जाएगी। ओके एंटीट्यूड, ओके वो ऊपर ही है। ओके तो अपना पिजोटो पॉइजन से हो चुका है मुक्त। कॉन्ट्रैक्ट क्रिटिकल एक लग गया, इसके लिए इतना डैमेज, वरना तो भाई कुछ डैमेज ही नहीं होता। ओके इस बार तो भाई जाएगा इसका टैंकिला, एयर रिलीज लास्ट टाइम। ओके तो अपना इसका टैंगला भी जा चुका है, और अब इसका लास्ट पोकेमोन बचा है विच इज़ गोइंग टू बी, आप सबको पता है कौन सा पोकेमोन है, वेलप्लूम, वेलप्लूम वेलप्लूम। ओके इस पिजोटो के रहने देते। ओके तो इसका लास्ट पोकेमोन है वेलप्लूम। ओके तो नाउ दैट्स द बैटल बिटवीन वेलप्लूम एंड आवर पिजोटो। तो पहले हम लोग अपना फुल एचपी कर लेते हैं सुपर पोर्शन से, सुपर पोर्शन 40% पोर्शन। ओके स्टंस फॉर कुछ नहीं, अभी मैं यूज़ ही नहीं करूँगा, भाड़ में जाए भाई, कितना पैरालाइज करोगे। ओके एक और बार एलियस एसिड, ओके पॉइजन तो नहीं होगा, ये अच्छी बात है। ओके एक और बार आई थिंक एरियलेस करना पड़ेगा। ओके वन मोर टाइम एरियलेस, ओके कुछ करना मत। ओके तो गाइस आई थिंक मिस मत हो। ओके लग गया, तो गाइस इसकी वेल प्लूम हो चुकी है ख़त्म। तो सो गाइस हमने हरा दिया है एरिका को, और हमें मिल चुका है हमारा चौथा बैच, जी हाँ हमारा फोर्थ बैच। ओ आई कंसर्न डिफीट, जी हाँ बाय बाय एरिका, बहुत खूबसूरत लग रही है लेकिन आप, यू आर रिमार्केबली स्ट्रॉन्ग, जी हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है हम लोग, हमारे डोले शोले देखो। ओके तो रेनबो बैच नेक्स्ट बैच, तो गाइस हमें मिल चुका है हमारा न्यू बैच दैट इज रेनबो बैच, रेनबो। ओके ऑल 2900 रुपीज में मिल गए, बहुत बढ़िया। द रेनबो बैच विल मेक पोकेमोन अप टू लेवल 50 ओबे। ठीक है ठीक है ठीक है। आई ऑल्सो अलाउ पोकेमोन, इट ऑल्सो अलाउ पोकेमोन टू यूज स्ट्रेंथ इन एंड आउट ऑफ बैटल। ओके स्ट्रेंथ वो भी एक एच एम है, एच एम प्लीज ऑल्सो टेक दिस विथ यू। भाई एरिका तुम जो दोगी हम लेके प्यार से लेंगे भाई, प्लीज़ प्लीज़ मत बोलो भाई। ओके टी एम 3019 क्या हो सकता है, क्या हो सकता है।
गीगा ड्रेन। ओके तो गीगा ड्रेन बहुत यूज़फुल है, तो हम लीड सीड को फॉरवर्ड कर सकते हैं क्योंकि लीड सीड और गीगा ड्रेन दोनों भी एक ही काम करते हैं, लेकिन हम लोग लास्ट में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। हाफ द डैमेज इज इफेक्ट इज रिफ्लेक्ट इन ड्रेन टू हील योर पोकेमोन। ओके हमें पता है एरिका तुम मेरे साथ होगी क्या हमारे एडवेंचर पे? हाँ एरिका मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा, नहीं आओगी तुम एरिका? मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा, लेकिन बाय बाय एरिका, बाय बाय सबको, बाय बाय सारे लड़की लोग, बाय बाय, हम फिर से आएंगे एरिका जब हम जीतेंगे तभी। तो गाइस हम जीत चुके हैं हमारी चौथी जिम बैटल और हमें मिल चुका है हमारा रेनबो बैच और हमारा नाम भी आ चुका है विनर विनिंग ट्रेनर्स की लिस्ट में। ब्लू का भी नाम है और अपना भी नाम है भाई, ब्लू और मेरे से कोई है ही नहीं इस गेम में सिर्फ हम दोनों ही है देखो भाई। ओके तो हम चलते हैं फटाक से और अपने पोकेमोन्स को हील कर लेते हैं गाइस, सबसे पहले हीलिंग इज इम्पोर्टेंट। कट करते इस ट्री को और चलते सीधा नर्स जॉय के पास। नर्स जॉय भी कुछ कम नहीं दिखती भाई, इज्जत करो सबकी। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं पोकेमोन सेंटर में, पहले हम लोग करते हैं हील फटक से और निकलते हैं वापस हमारे अगले एडवेंचर पे के भैया। तो गाइस आपको याद हो कि लास्ट वाले एपिसोड में हमने देखा था कि भाई वहाँ पर एक बहुत ही डेकोरेटेड हाउस था या फिर हाउस या फिर गेम सेंटर कुछ तो था, तो हमें वहाँ उसके अंदर भी जाने का, लास्ट वाले एपिसोड में हम जा नहीं पाए थे उसके अंदर, तो हम आज उसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे अंदर से। यही है वो गेमिंग सेंटर भाई, इसका नाम कुछ जाना पहचान लगता ना, मतलब रॉकेट गेम से गेम कॉर्नर भाई, रॉकेट से कुछ याद आया क्या? रॉकेट तो ये कौन है भाई, यहाँ पर एक टीम रॉकेट का बंदा ही दिख रहा है, इससे बात करेंगे? बात करते चलो, फाइट करेगा सारा। देखो हम फ्लेरियन को आगे ले लेते हैं, शायद से फाइट कर सकता है ये बंदा, झगड़ा होता रहता है हम लोग का। आई एम गार्डिंग दिस पोस्टर। पोस्टर को क्या गार्ड करना है भाई, वो क्या सोना है क्या? उसकी रखवाली कर रहे हैं, रखवाली। फिर तो इसका फर्स्ट पोकेमोन है रैटाटा, तो हम इसे भी फाटक से ख़त्म कर देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं होने वाली हमें। बाइट फ्लिंच हो जाए भाई, बाइट में बाइट से फ्लिंच भी होते हैं। फ्लिंच। ओके फ्लिंच हो गया, बहुत बढ़िया। एक और बार बाइट। ओके ख़त्म, निकलो पहले फुर्सत में निकलो। ओके तो इसका नेक्स्ट पोकेमोन कौन सा है भाई? ओके तो अपनी विकी भी लेवल बढ़ रही है। ओके जुबैट कोई नहीं, जुबैट को भी हम फ्लिंच कर देंगे, फ्लिंच। ओके तो फर्स्ट बाइट करते हैं, फिर कितना अटैक होता है? ओके वन हिट, बहुत बढ़िया भाई फ्लेरियन, बहुत बढ़िया फ्लेरियन। ओके हमने हरा दिया इस टीम रॉकेट के ग्रंट को। ओके टीम क्या फ़ायदा भाई तुम लोग का? द टीम रॉकेट हिडन आउट माइट बी डिस्कवर्ड। हिडन आउट, आई बेटर टेल बॉस। जाओ भाई जाओ, बॉस को बताओ जाओ, मैं बॉस से डरता नहीं हूँ भाई। इधर गायब हो गया, इधर से किधर गया भाई ये? मैं हम लोग नहीं जा सकते, ये कैसे गया? वैसे इस पोस्टर पे आर क्यों लिख रहा है भाई, थोड़ा अलग सा नहीं लग रहा है वो पोस्टर? वेलकम टू द गेयर कॉर्नर, डू यू नीड सम कॉइन्स, वुड यू लाइक टू बाय सम? भाई हज़ार रुपीज़ को 50 कॉइन बस, बट कहते यहाँ पर इस पोस्टर में कुछ तो गड़बड़ लग रही है मेरे को। हे अ स्विच बिहाइंड द पोस्टर भाई। ओ वॉट भाई यहाँ पर तो भाई सीढ़ियाँ आ गई भाई। रॉकेट हाइड आउट ओ भाई ये क्या है? आई थिंक ये टीम रॉकेट का अंडरग्राउंड सीक्रेट बेस है, तो गाइस मुझे लगता है हम इसे एक्सप्लोर करेंगे लेकिन अगले एपिसोड में। तो गाइस लास्ट वाले जो एपिसोड था उसमें एक बंदे ने कमेंट किया था कि भाई आप अपने निडोरन को मून स्टोन से इवॉल्व कर दो भाई, हम इवॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर योर काइंड टिप्स जो भाई आप देते हो भाई। आई थिंक उनका नाम इंडियन गेमर भाई करके कुछ तो था, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, मैं उनका नाम यहाँ पे कमेंट वहाँ पर डाल दूँगा। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना अच्छा टिप दिया, और मैं तो सोच रहा कि भाई
जब इवॉल्व होगा तभी होगा, लेकिन अपना निडोरैन हो चुका है इवॉल्व एंड नाउ ही हैज बिकम निडो किंग, यानी कि निडो का राजा, समझे? ओके, फालतू जोक था, बोल भाई। ओके, तो अपना निडो किंग भाई क्या ही दिख रहा है भाई, उसका सिंह देखो भाई, सिंह एकदम खतरनाक खतरनाक भाई। गाइज आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। तो गाइज अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ हमारे पोकेमॉन फायर रेड के एडवेंचर पे, तो आप भी जाके नीचे लाल बटन का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, दबा दो भाई उसको, दबा ही दो। और गाइज हम लोग अगले वाले एपिसोड में स्टीम रॉकेट के बेस को भी थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और इसका बेस का भांडा फोड़ के रहेंगे। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप भी जाके लाइक, और अगर आपने हमारे पोकेमॉन फायर रेड के लास्ट वाले एपिसोड्स में देखे तो मैंने नीचे प्लेलिस्ट की लिंक दे दिए, तो वहाँ पर आप क्लिक करते हैं आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे। कर दो और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, आपका भाई आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लाता रहेगा। तो गाइज आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई टिप्स वगैरह और देना है तो, हमारे इंडियन गेमर भाई की तरह। तो गाइज मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर। इस टीम रॉकेट का तो हम भांडा फोड़ के रहेंगे अगले एपिसोड में। बाय बाय।